हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप अच्छे ही होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आप जल्दी से बहुत अच्छे हो जाएं। ये व्लॉग मैंने शूट किया था संडे को। सुरेंद्र जी की छुट्टी थी, तो शाम को ऐसे ही बैठे बैठे हमें लगा चलो कुछ खाने पीने चलते हैं बाहर। बट मेन बात ये है कि खाने क्या जाएँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, क्योंकि दोनों चीज़ एक कॉम्बिनेशन में तो नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ वडोदरा की शान लाइव ढोकला खाने चलते हैं। ढोकला तो आपने सुना होगा, ढोकला तो गुजरात में मिलता ही है, बट जो नॉर्मल ढोकला होता है वो ठंडा होता है, बट जो हम खाने जा रहे हैं लाइव ढोकला, वो गर्मा गर्म मिलता है और वो बेसन से नहीं बनता है, वो कुछ अलग ही होता है। तो आप चलिए हमारे साथ, मैं दिखाती हूँ कि वडोदरा में वो मिलता कहाँ है और कैसे बनता है। ये इवनिंग का टाइम है, 5 से 6 बजे के आसपास, तो इस टाइम पे क्या है, भूख लग जाती है, वो जो स्नैक्स का टाइम रहता है ना, तो ये जो लाइव ढोकला है ये स्नैक्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और हमारे घर में ये सभी का फेवरेट है, बड़े से लेके बच्चों तक, सबको बहुत यम लगता है, स्पेशली पीकू और उसकी दादी। मम्मी को तो इतना पसंद है, जब भी मम्मी वडोदरा आती है ना तो लाइव ढोकला तो ज़रूर खाने जाती हैं। और मुझे 100% यकीन है कि आप लोग भी एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको ही पसंद आएगा। रणवीर का लुक चेंज हो गया है बिल्कुल। परीक्षित अंकल देख रहे हैं बेटे, एक बार हेलो तो बोल दो। आजा रन्नू। हमारी नेबर आंटी काफ़ी दिनों से घर पर नहीं थी, कहीं घूमने गए थे, तो आंटी वापस आई हैं, तो इन लोगों के हेयर कट देख के काफ़ी इम्प्रेस हुई। बोल रही थी कि पहचान में ही नहीं आ रहे बच्चे, लेकिन बच्चों का तो अपना ही रहता है, वैसे इतना बोलेंगे कि बस पूछो ही मत, आपको चुप कराना पड़ेगा, लेकिन कोई हेलो हाय बोलेगा ना बाहर तो अजीब से वियर्ड बिहेव करते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे बच्चे हैं। चलो बातें करते करते हम लाइव ढोकला वाली जगह भी आ गए। ये जगह है अकोटा डी मार्ट के पास, जो डी मार्ट का एग्जिट वाली जगह है ना, वहीं पर ये भैया खड़े होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जगह, ये येलो और रेड स्ट्रिप्स वाला जो है। किधर, इधर लगा लो। ये भैया नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, एक लाइव ढोकला, दूसरा पापड़ी नो लोट। तो लाइव ढोकला तो पीकू और मम्मी को बहुत पसंद है, और पापड़ी नो लोट हमारे रन्नू को बहुत पसंद है। तो ये रहा हमारा पापड़ी नो लोट, ये गुजरात में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। सबके मुंह में पानी आता हुआ। मीठा तो नहीं है? नहीं नहीं मीठा नहीं है, खाओ ना। अरे मीठियों का राजा नहीं है। पापड़ी नू लोट चाहिए उसको, अच्छा है ना बेटा। तेरा दूसरा आएगा, तू अलग खा ले, दादी को खान दे। ये कैसा है पापड़ी नू लोट? मम्मी को खानी पसंद आएगा कि नहीं? अच्छा लगता है, आटे का तो रहता है, आटे का नहीं उसका, शायद चावल का आटा रहता है और बहुत सारी। और मम्मी कुछ लेके आना है? अच्छा एक और ले लो। ये ले लो भैया, लेके आए भैया। किससे बनाते हो ये? दाल और चावल से बनता है। अच्छा, दाल और चावल? हाँ, तीन जात की दाल और चावल से रहता है इसका। ये येलो वाली चटनी, येलो वाली मूंगफली और दाढ़िया से बनती है। दाढ़िया क्या होता है? वो चना होता है ना, चना का हाफ पार्ट रहता है ना। अच्छा, और खट्टी कैसे होती है? उसके अंदर थोड़ा हल्का सा नींबू का फूल रहता है। अच्छा, नींबू का फूल माइनर रहेगा। ओके, लोट 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 बनता है अपना चावल से। थैंक यू भैया। तो सुना आपने, सारे दोनों ऑप्शन हमारे हेल्दी हैं। पापड़ी नो लोट बना हमारे चावल के आटे से, और ये लाइव ढोकला गर्मा गर्म बना है हमारा दाल और चावल से। इसके साथ हमें दो चटनी दी हैं, जो एक नींबू के फूल से बनी है और एक लाल मिर्च की चटनी है। मस्त है परीक्षित। पीको का रिएक्शन देखा, डोंट डिस्टर्ब मी, सिर्फ खाने दो। चलो नहीं, आप नहीं बेटा प्लीज, आप पापा के संग बैठो। परीक्षित नहीं आ रहा है? मैं भी आ रहा हूँ।
अब मैं, मम्मी और पीकू हम जा रहे हैं दी बेस्ट एवर ग्रीन फेवरेट गोलगप्पे खाने। तो ये भी डी मार्ट के पास ही मिलते हैं। यहाँ पे गोलगप्पों के साथ 5 या 6 टाइप का पानी देते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का। हमारे नॉर्थ के साइड या दिल्ली में 2 टाइप का पानी होगा, हींग तीखा या फिर मीठा, पर यहाँ पे 4 या 5 टाइप के पानी होते हैं। आप चूज़ कर लो, वो वाला खा लो, या फिर जो पहली प्लेट होती है ना वो 5 पानी टेस्ट करने के लिए होती हैं। वैसे हमें सारे ही पसंद आए, बट हमें थोड़ा मीठा वाला पानी और थोड़ा वो तीखा वाला हींग वाला वो सबसे बेस्ट लगा। मम्मी तो कंफ्यूज ही हो गई, कौन सा वाला खाऊं कौन सा वाला ना खाऊं। आज संडे है तो देखो डी मार्ट में कितनी भीड़ है, ऐसा लगता है जैसे सारा सामान फ्री मिल रहा है, इतनी लंबी लाइन, पार्किंग भी फुल हो गई है। रणवीर दादी के पास आ जा, मम्मी के पास जाना है। आ जा पीछे बैठ जा, मैं जा रही हूँ आगे बैठ। चल बेबी तुम भी खा सकते थे, वो 5 पानी वाला था। मैंने मेरे यहीं से बैठ शाम के बज चुके हैं 7, अब सनसेट होने वाला है। कितना प्यारा व्यू दिख रहा है गाड़ी से, और फेस पर जो सन की लाइट आ रही है ना येलो येलो, उससे अलग ही ग्लो आ रहा है फेस पर। और मैंने तो येलो टॉप भी पहना है तो मेरा फेस एकदम येलो दिख रहा है इसमें। मूड फ्रेश करने के लिए या ब्रेक लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जॉटिक प्लेस पर जाओ घूमने फिरने, वेकेशन पर जाओ। बस वीकेंड पर फैमिली के साथ थोड़ा बाहर निकलो, छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुशी मिलती है, एक मूड रिलैक्स हो जाता है और आप वीकडेज के लिए रेडी हो जाते हो। आप भी ऐसी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाहर जाएं, बाहर निकलें, घर में बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो लोग बोर हो जाते हैं घर में, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनकी खुशी देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोग भी हमारे ही तरह अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे भी सजेशन दीजिए कि और हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे भी इंजॉय करें। ये देखो, ये है सनसेट की ब्यूटी, कितनी प्यारा लग रहा है सन। होप आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रन्नू पीकू एंड मॉम व्लॉग्स। आई होप आपका वीकेंड भी अच्छा जाए, और अगर आप किसी चीज़ में बिजी हैं तो जल्दी से जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाए ताकि आप लोग भी इंजॉय कर पाएँ अपना वीकेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।